प्रिया खुराना और जैसा कि टाइटल से क्लियर ही है, आज का वीडियो होने वाला है हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के बारे में एंड हाउ कैन वी इंप्रूव दिस रिलेशनशिप। तो एक बार की बात है, एक 70 ईयर ओल्ड मैन वॉक्ड इन विद हिज वाइफ इनटू द ऑफिस ऑफ अ यंग लॉयर और आके उन्होंने कहा कि हमें डिवोर्स चाहिए। उसने पूछा कितने साल हो गए शादी को, तो उन्होंने बताया कि दे हैव कंप्लीटेड 40 ईयर्स ऑफ मैरिज एंड नाउ दे वांटेड डिवोर्स। लॉयर बहुत शॉक हो गया, बोला इस उम्र में क्यों चाहिए आपको डिवोर्स, इतने साल आपने साथ गुजारे। तो उन्होंने बताया कि नहीं, अब हमारे बच्चे दे आर ऑल वेल सेटल्ड, आवर चिल्ड्रन डोंट नीड अस, इतने साल हम एक दूसरे के साथ सिर्फ इसलिए रहे ताकि हमारे बच्चों को यू नो कोई परेशानी ना हो एंड दे फील सिक्योर, लेकिन अब हमारे बच्चे सब सेटल्ड हैं तो वी वॉन्ट सेपरेशन। लॉयर ने उन्हें बहुत मनाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माने। तो लॉयर ने कहा ठीक है, कल मैं आपके पेपर्स रेडी कर दूंगा, पर आज का डिनर हम सब इकट्ठे करते हैं। तो दे मेट फॉर डिनर इन अ रेस्टोरेंट और डिनर शुरू हुआ, चिकन करी आई तो हस्बैंड ने सबसे पहले चिकन करी में से जो लेग पीस होता है जिसे ड्रम स्टिक्स बोलते हैं वो उन्होंने वाइफ की प्लेट में डाल दिया। वाइफ बहुत इरिटेट हो गई, बोले इतने सालों से आप मुझे ये लेग पीस दे देते हैं, जानते हैं आई हेट दिस, मुझे बिल्कुल भी ये पीस पसंद नहीं है। तो हस्बैंड हैरान हो गए, बोले अच्छा मेरा तो ये फेवरेट है, और क्योंकि मेरा ये फेवरेट है मुझे लगा ये तुम्हें भी अच्छा लगता होगा इसलिए पूरी उम्र ये मैं आपको देता रहा। एंड वाइफ सेड कि वो शी सिंपली हेटेड दैट पीस ऑफ चिकन। तो लॉयर को समझ आ गया कि व्हाट वाज द रीजन कि वो क्यों इतने सालों बाद सेपरेशन कर रहे थे। दिस इज बिकॉज दे डिड नॉट हैव एनी कम्युनिकेशन विद ईच अदर। यही प्रॉब्लम हम लोग बहुत कपल्स के साथ होती है, वी डोंट एक्सप्रेस आवरसेल्व्स, हम अपनी फीलिंग्स एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस ही नहीं करते, हम क्या फील कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ कि वो एक्सप्रेस करें। यू नो नेचर ने इस तरह से बनाया है कि जो वुमेन होती है, जो फीमेल होते हैं, दे लुक फॉर एप्रिसिएशन, वो बहुत इमोशनल होते हैं और यू नो इमोशंस प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन देयर लाइव्स। वेयर एज जो मेल होते हैं, जो मैन होते हैं, इमोशंस आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट इज लॉजिक एंड रीजनिंग फॉर देम। तो एक बार शादी हो गई तो हस्बैंड्स को लगता है कि उनको अपने को एक्सप्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे वो लव हो, चाहे वो यू नो कोई भी अप्रिसिएशन हो, लेकिन वेमेन द वाइफ शी क्रेव्स फॉर दीज थिंग्स। आप एक दूसरे को प्रेज कीजिए, हस्बैंड्स जो हैं छोटी छोटी गिफ्ट्स, कभी फ्लावर्स लाएँ अपनी वाइफ के लिए, तो देखिए कितनी केयरिंग हो जाती हैं वाइफ्स। मैं जानती हूँ बहुत से मैन और हस्बैंड्स में सब ये अग्री नहीं करेंगे, वो ये कहते हैं कि जब हमने शादी कर ली एंड यू नो आर लव इज ट्रू लव, सो व्हाई डू वी हैव टू एक्सप्रेस दिस लव अगेन एंड अगेन। तो मैं आपसे एक बार पूछना चाहूँगी कि जब आप गुस्सा होते हैं, जैसे लव एक इमोशन है वैसे एंगर भी एक इमोशन है, क्या आप अपना एंगर नहीं दिखाते हैं, क्या आप अपना गुस्सा नहीं दिखाते हैं? दिखाते हैं ना, जब भी आप डिससैटिस्फाइड, जब भी आप गुस्सा होते हैं आप अपनी वाइफ पर गुस्सा करते हैं। तो जैसे एंगर एक इमोशन है वैसे लव भी एक इमोशन है, अप्रिसिएशन भी एक इमोशन है, प्रेजिंग भी कुछ इमोशंस इन्वॉल्व करता है। तो हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वी हैव टू लर्न टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स, टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग, क्या हमें अच्छा लगता है, क्या हमें अच्छा नहीं लगता है। वी हैव टू बी ओपन विद ईच अदर और ऐसा करने पर हम एक अच्छा बॉन्ड एक दूसरे के साथ बना पाएंगे। द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्लीज एक्सेप्ट ईच अदर। यू नो शादी के बाद क्या होना शुरू हो जाता है, कुछ सालों के बाद हमें एक दूसरे की खूबियाँ तो नहीं दिखती हैं लेकिन वॉट वी स्टार्ट लुकिंग एट इज ईच अदर वीकनेसेस और उसी को हम फोकस करते हैं, उसी को पॉइंट आउट करते हैं। रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग दैट। तो एक दूसरे की वीकनेसेस में फोकस करने के बजाय अगर हम एक दूसरे की प्लस पॉइंट्स देखें, उनमें क्या स्ट्रेंथ्स हैं और उसको अप्रिशिएट करें, तो अगेन द रिलेशनशिप विल इम्प्रूव। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वी हैव टू लर्न टू गिव स्पेस टू ईच अदर। बहुत बार क्या होता है कि कपल्स फील करते हैं कि उनको हमेशा साथ साथ ही रहना है और ऐसे करने पे भी एक जो अट्रैक्शन है एक दूसरे के साथ रहने की वो कम हो जाती है। अगर आपके हस्बैंड चाहते हैं कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ आउटिंग करें या अगर आपकी वाइफ चाहती है कि वह अकेले अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं इंजॉय करें, तो लेट देम गो। एक अच्छा रिलेशनशिप इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि हम कितनी स्पेस एक दूसरे को देते हैं।
द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हमें एक दूसरे से ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है. यू नो व्हेन वी ओवर एक्सपेक्ट कि वो हमारे साथ ये करें, वो हमें ये करके दे, मेरे हस्बैंड मेरे साथ ऐसा नहीं करते या मेरी वाइफ मेरा इतना केयर नहीं करती इज अ रूट कॉज ऑफ मेन प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि नेवर येल एट ईच अदर. आप लोग कितना भी डिसएग्री करें, कितनी भी प्रॉब्लम्स हों, एक दूसरे पे चिल्लाना एंड स्पेशली बच्चों के सामने एक दूसरे पे चिल्लाना और कुछ फैमिलीज में हाथ उठाना और गुस्सा करना, ये सब चीज़ें कैन हैव अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर चाइल्ड. तो हमेशा आप कितना भी गुस्सा हो, जस्ट कीप काम, लेट गो और अकेले में अपने इश्यूज को रिजॉल्व कीजिए, बच्चों से दूर, ताकि बच्चों पे इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े. यू नो रिसर्चेस हैव शोन कि जितने जेंट्स जो जितने भी मेन होते हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, अपनी बीवी या अपनी वाइफ को मारते हैं, इट हैज़ बीन प्रूव्ड कि उनके फादर भी यही चीज़ करते थे. तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमें ये चीज़ अपने बच्चों के सामने गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं करना. ऑफकोर्स वायलेंस तो इज अ बिग नो नो. द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट वी हैव टू लर्न टू ट्रस्ट ईच अदर. हमें एक दूसरे पे विश्वास करना. तो कई बार क्या होता है, वाइफ्स अगर हर बात अपने हस्बैंड की यू नो फ़ोन बार बार चेक करना या हर बात पे कहाँ गए, क्यों गए, कैसे गए और बिल्कुल एक दूसरे को स्पेस और ना देना और ट्रस्ट ना करना इज़ अनदर मेजर कॉज वेयर गुड हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप इज़ नॉट डेवलप्ड. सो ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और ट्रस्ट के साथ साथ ऑनेस्टी, एक दूसरे से कोई बात ना छुपाना, एक दूसरे को हर चीज़ अपनी बताना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी एज वेल एज लव आर द फाउंडेशन ऑफ अ गुड रिलेशनशिप. इट इज़ वेरी राइटली सेड अ ग्रेट मैरिज इज नॉट व्हेन अ परफेक्ट कपल कम्स टुगेदर. इम्परफेक्ट कपल्स दे इंजॉय देयर डिफरेंसेस एंड देन ओनली अ मैरिज बिकम्स सक्सेसफुल. So always remember, with a little effort, with some understanding and patience, we can definitely improve the husband-wife relationships. तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही. जल्दी ही मैं आपसे मिलूंगी. Till then, take care and bye.